एग्जांपल तो लो। थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए बेटा, जितने मैक्सिमम हो सके वो आप करें, एनसीईआरटी तो करनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा उनको मार्क करते रहें, नोट करते रहें। ऑप्शन वन, वन प्लस आई पावर सिक्स प्लस वन माइनस आई पावर थ्री। तो वन प्लस आई पावर सिक्स कैसे कैलकुलेट करें? वैसे तो ये क्या, वन प्लस आई को सिक्स टाइम्स लिखते हैं, तो सिक्स टाइम्स ना लिख के या तो क्यूब करके स्क्वेयर या स्क्वेयर करके क्यूब ले, होल स्क्वेयर ओपन कर रहे हैं तो वन प्लस आई स्क्वेयर प्लस टू आई होल क्यूब, ये तो कैंसिल, एट आई क्यूब आ गया, इसका मतलब माइनस एट आई आ। वन माइनस आई क्यूब है, इसको भी ऐसे पहले का क्यूब दूसरा क्यूब माइनस, ये तो हमने कई कई बार किया हुआ, ये वाला आप कर लेंगे। कोई डाउट? वन टू थ्री फोर, पावर सिक्स थी तो ये नहीं कि वन प्लस आई को छह बार स्क्वेयर करके और क्यूब कर। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वो देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन एक ट्रिक आप लोगों को बताई हुई है, मिसलेनियस में जो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन था उसमें भी यूज किया गया है एक कंसेप्ट। क्वेश्चन 17 मिसलेनियस में भी यूज हुआ है, अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन था, अगर किसी का मॉडुलस 1 है तो दैट इंप्लाइज उसका स्क्वायर भी 1, और मॉडुलस स्क्वायर को z z बार लिखते हैं, दो चीजों की प्रोडक्ट वन है तो इसका मतलब है z z बार आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। z z बार आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दो सिटी प्रोडक्ट वन है तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मीनिंग क्या है, मोड जेड वन है तो एक तो ये रिजल्ट हो गया, एक ये रिजल्ट हो, रेसिप्रोकल का मतलब वन बाय जेड को जेड बार लिख सकते हैं और वन बाय जेड बार को जेड लिख। तो कुछ ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी पड़ती है जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में लग जाती है। अब क्वेश्चन ये है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉल्यूशन उनका मॉडुलस वन है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका मॉडुलस वन है हर एक का, तो इसका क्या मतलब है, जेड वन जेड वन बार वन है, जेड वन जेड वन बार एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपको ये भी वन दे रखा है, तो वन बाय जेड वन को हम क्या लिख सकते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है,
तो वन बाय जेड वन क्या होगा, जेड वन बार, वन बाय जेड टू क्या होगा, जेड टू बार। तो ये यूज हो गए बेटे, ये ट्रिक्स है जो आपके जे मेन्स एग्जाम है उसमें ये चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, यही चीजें यही मेन्स भाई। मॉडुलस वन है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जेड जेड बार इज वन, यानी जेड जेड बार एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी वन बाय जेड को जेड बार, वन बाय जेड बार को जेड, जो वन बाय जेड वन है इसको हम क्या लिख पाएंगे, जेड वन बार, जेड टू बार, जेड थ्री बार, वन टू थ्री नंबर, फोर नंबर, फाइव सिक्स, फाइव तो दे रखा है बेटा, नोट्स का पीडीएफ आपके पास है और लगभग बच्चों के पास नोट्स की हार्ड कॉपी है, जिसके पास नहीं है फोन करके आगे ले जाए, या आप कहीं कहेंगे इधर दावला चौक के आसपास किसी दुकान पर रखना है, शॉप पे जाते आप फ्रीक्वेंटली पास होते हैं तो वहां रख देंगे, वहां से उठा लेना जाम आप कहेंगे। पहले चैप्टर के नोट्स के, अब ये कॉन्जुगेट अलग अलग है, तो इसको पूरे का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं हम, आपको पता है, और कॉन्जुगेट या बिना कॉन्जुगेट का मॉडल सेम होता है। ये वन दे रखा है, ये वन हो गया, तो ये वन हो गया, यही हमें चाहिए। यही हमें चाहिए था, डाउट पूछे बेटा। मोड जेड वन है तो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन में थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट इनको मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन जो है एक मंथ के बाद दो मंथ के बाद थोड़े से लाइट हो जाएंगे आपको, फिर दोबारा से रिवीजन कराएंगे, फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपको नोट करना है और आपके फ्यूचर में भी आपके काम आएंगे, ये सभी चीजें काम आएंगी। कोई चीज का मॉडल वन है तो जेड जेड बार एक दूसरे के रेसिप्रोकल, जेड जेड बार वन के इक्वल, रेसिप्रोकल मतलब वन बाय जेड, जेड बार वन बाय जेड बार जेड, मॉडुलस वन है तो वन बाय जेड वन इज जेड वन बार, वन बाय जेड टू जेड टू बार, ये चीजें ये लिख दिया पूरे का कॉन्जुगेट, ये वन आ गया। आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछना पड़ेगा, समझ में आ जाए तो एनसीईआरटी की, और बाकी जितना मैक्सिमम समझ में आए। नंबर पूछिए बेटा आप, नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर सर यस बेटा पूछिए। सर एट स्टेप के अंदर वो जो उन पे मॉड्यूलस था, यस सर वो फिर दे रखा है, तो ये वन बाय वन का फिफ्थ स्टेप बोल रहे ना, ये दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये गिवन है, ऑप्शन की स्टेटमेंट है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं हम, क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन ये था मोर जेड वन मोर जेड टू मोर जेड थ्री एंड वन बाय जेड वन, ये हमने अपनी तरफ से स्पोर्ट नहीं किया, ये सब वन के इक्वल दे रखा है, वो ये कह रहा फाइंड मोर जेड वन जेड टू जेड, ये क्वेश्चन था, तो इसकी जगह हमने जेड वन बार लिख दिया, इसकी जगह जेड टू बार लिख दिया, इसकी जगह जेड थ्री बार लिख दिया, क्योंकि मॉडुलस वन था, ये दे रखा है, तो इसकी जगह जेड वन बार, इसकी जगह जेड टू बार, इसकी जगह जेड थ्री बार, फिर पूरे का बार इकट्ठा ले लिया, बिना बार और बार का मॉडुलस सेम होता है, मोड जेड बार जेड का मोड सेम होता है, आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, जनरल एग्जाम्पल है x माइनस आया तो मोड तो दोनों का सेम है, तो कॉन्जुगेट हट गया, ये बार हट गया,
और पूछिए आप, 4, 5, 6, 7, 8, ये गिवन था, ये गिवन था, तो इसका क्या मतलब है? इसका जो रेसिप्रोकल है मोड जेड वन वन के इक्वल है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है जेड वन बार हो गया। इसका रेसिप्रोकल यानी वन बाय मोड जेड टू, वन बाय जेड टू इज जेड टू बार, वन बाय जेड थ्री इज जेड थ्री बार, पूरे का बार इकट्ठा। और पूछिए आप, तो कुछ ट्रिक ध्यान रखनी आपको बता दी ना, ट्रिक क्या थी? तो ये ट्रिक है बिना बार के, और ये ध्यान रखनी है जेड का मोड अगर वन के इक्वल है तो जेड जेड बार भी वन के इक्वल, स्क्वेयरिंग करने के बाद जेड जेड बार रेसिप्रोकल थैंक यू। रेसिप्रोकल का मतलब पता है, वन बाय जेड इज जेड बार, वन बाय जेड बार इज जेड। और देखें थर्ड, थर्ड का ही बेटे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या ऊपर का क्यूब अलग और नीचे का क्यूब अलग लेंगे? क्यूब करने से पहले इसको दो डब्बों में लिख देंगे, करिए रैशनलाइज, और पहले डब्बे का और दूसरे डब्बे का आंसर बताइए, करें रैशनलाइज। रैशनलाइज करें और पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स का आंसर बताओ। जीरो प्लस वन आई, जीरो प्लस वन आई, तो कितना सिंपल हो गया। ये नहीं कि ऊपर का क्यूब अलग करो, नीचे का क्यूब अलग करो, जो आए फिर रैशनलाइज करो। तो सब पहले पहले जो चीज है इसको सिंपल बना लो, तो आई क्यूब बच गया, और आई क्यूब का आंसर माइनस आई, पता है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा। आई की कोई पावर तो हमें छोड़नी नहीं होती बेटा, आई की कोई पावर हमें नहीं छोड़नी। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फिफ्थ फोर्थ हो जाएगा आपसे, फोर्थ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो जो जो क्वेश्चन है इनको मार्क रखिए, ये सब आपको अगेन रिवाइज भी करने पड़ेंगे। ठीक, ये है एक्स इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वैसे तो सिक्स थीटा, इसको देखते आपके माइंड में एक इंप्रेशन आना चाहिए। क्या इंप्रेशन आना चाहिए? ये जो एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है ए, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑब्जेक्ट से जिक्र करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस तो वन है और आर्गुमेंट थी, मॉडुलस वन क्यों है? ये आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का कॉम्प्लेक्स आर वन आ गया, और वैसे भी मॉडुलस कहते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। वो ये कह रहा है कि वन प्लस ए डिवाइडेड बाय वन माइनस ए क्या हो, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में हो गया, वन प्लस ए क्या हो जाएगा, वन प्लस, इसको एक बॉक्स में क्यों लिख रहे हैं आपको पता लगना चाहिए भाई, रियल पार्ट अलग, ये क्या होगा वन माइनस कॉस, इसको अलग बॉक्स में क्यों लिख रहे हैं ये आपको पता लगना चाहिए। बुक से थोड़ा सा अलग बता रहे, बुक से थोड़ा अलग, थोड़ा अलग। बुक से थोड़ा सा अलग बता रहे। देखिए कैसे करें, अब इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का क्या मतलब है? बीच में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड,
और कहीं कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं है, फोर साइन बीच में साइन चेंज कर मल्टीप्लाई और डिवाइड, वन माइनस फोर प्लस आई होता साइन डिवाइडेड बाई वन माइनस फोर, तो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में ऊपर तो क्या आएगा, वन प्लस कोस को दोनों के साथ करके पहले के साथ करेंगे, वन प्लस कोस को वन माइनस कोस के साथ करेंगे, वन माइनस कोस के थीटा आयोटा, वन प्लस कोस को साइन के साथ करेंगे, वन प्लस कोस को वन माइनस कोस से करेंगे तो वन माइनस कोस I sin को ये वन प्लस कोस थीटा को वन माइनस कोस से करेंगे I sin थीटा वन माइनस कोस थीटा, यानी sin थीटा माइनस कोस थीटा, I sin को I sin से करेंगे I स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का वन माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा कहेंगे, साइन कॉस आई कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, वन टू थ्री, आराम से देखिए, एक की वैल्यू पुट कर दी, एक की वैल्यू पुट करने के बाद वन प्लस कॉस एक ब्रैकेट में आयोटा साइन थीटा अलग ब्रैकेट में, वन माइनस कॉस एक में आयोटा साइन अलग में, बीच में साइन चेंज करके बाकी कोई चेंज नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर तो बन गया वन माइनस कोस स्क्वायर प्लस पहले को आई साइन से किया, तो पहले को आई साइन से करेंगे, आई तो अलग साइन थीटा कोस, आई साइन को दोनों से किया पहले से और फिर दूसरे, इस पहले को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इस सेकंड को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, नीचे और स्क्वायर ओपन करेंगे तो वन प्लस कोस स्क्वायर माइनस टू कोस आई स्क्वायर को माइनस वन, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को वन कहेंगे, वन प्लस वन टू, दो बॉक्स में कैसे लिखते हैं, प्लस आयोटा साइन ओवर वन माइनस फोर, ये आंसर आंसर थोड़ा अलग है, ये आंसर भी हो सकते, अभी आपको कोई डाउट फोर्थ स्टेप तक, चार नंबर स्टेप तक आपको कोई डाउट है तो वो पूछे आप, चार नंबर स्टेप तक बुक वाले वैसे नहीं, जैसे आपको बता नोट पड़े तरीके से, सर थर्ड स्टेप दोबारा बताना, स्टेप दोबारा बताते हैं, देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर लिख दिया, आयोटा इकट्ठा कर लिया इस ब्रैकेट में, जहां भी आयोटा था दो जगह आयोटा, जब इकट्ठा किया तो सिर्फ टू साइन थीटा नजर आ, ये कैंसिल हो गया, ये आयोटा स्क्वायर था तो माइनस वन लिख दिया, टू वाई साइन थीटा, नीचे होल स्क्वायर ओपन किया बेटा, आयोटा स्क्वायर को माइनस वन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को वन कह दिया, वन प्लस वन को टू कह दिया, अगेन एक्सप्लेन कर देंगे थर्ड स्टेप को अगर डाउट है।
और पूछिए बेटा डाउट, और पूछिए। एक बेटा ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है साइन ओवर वन माइनस कॉस है, तो ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट बताया जाएगा ऊपर तो टू साइन कॉस कितना, ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद अभी तक यही आंसर, और वन माइनस कॉस को टू साइन कॉस कितना भाई, तो ये साइन और साइन ये कैसा आएगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ सकता है, और नहीं तो कॉस कितना बाई टू बन गए, एक साइन तो कैंसिल तो कॉस कितना बाई टू, बुक का आंसर ये लिखा हुआ है बेटा बुक के अंदर, पर ये यहां तक भी छोड़ सकते। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं मॉडुलस जेड को कोर्टिक, पहले मॉडुलस जेड का और क्या नाम है आर, मॉडुलस जेड या आर एक ही बात, और कह रहे हैं बेटा आर्गुमेंट जेड यानी थीटा जो होता था इस थीटा में वो 5/6 है, पहले हम मॉड और आर्गुमेंट जेड निकालते थे, अब दे रखे हैं कह रहे कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, तो जेड का आंसर तो क्या होता बेटा आर से थीटा आर और थीटा प्लस आयोटा साइन, तो पहले हम आर और थीटा निकालते थे, आर और थीटा दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, आर का आंसर तो कितना है 4, तो ये एग्जांपल जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें मूड खराब नहीं करना, कोई एक आध क्वेश्चन ना आए, वैसे तो कोशिश करने सारे आए, नहीं आए तो फिर से पूछिए आप, और एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं तो उसमें मूड खराब नहीं करना, जैसे पहले वाला था एक किलो में कितना क्वेश्चन हमने अलग से बता दिया, 5/5/6 पाई का मतलब 22/7 ये रेडियन, लेकिन अगर रेडियन से कहेंगे तो 180 लिख देंगे और ऊपर डिग्री लिख देंगे तो ये 150 डिग्री आ जाएगा, तो 150 डिग्री सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई। अब देखिए बेटा एक रिजल्ट ठीक, मतलब ये आपस में रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से, कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए कहीं इक्वेशन नहीं करें, एक रूल है ट्रिग्नोमेट्री का आपको बताते हैं, इस रूल का नाम है ए एस सी सी रूल, ए एस सी सी, ए एस सी सी रूल फिजिक्स वगैरह में भी यूज करेंगे, 0 to 90 degree, 90 to 180 degree आपको पता है, 0, 90, 180 और ये एंगल कितना होता है 270 और ये 360, 0 degree या 360 एक ही बात है, किसी चीज को 0 degree पर रोटेट करें यही पोजिशन, 360 पर रोटेट करें तो रोटेट होकर वापस ही मिल जाए, ए एस सी सी रूल, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, सी का मतलब टेंजेंट और सी का मतलब कोस, ऑल साइन टेंजेंट कोस, ऑल साइन टेंजेंट कोस, ऑल साइन टेंजेंट कोस, ए एस सी सी आफ्टर कोल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफी आफ्टर साइन टू कोसाइन, कोई भी किसी भी ढंग से ए एस सी सी एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी
आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कैफे, कॉलेज, जो मर्जी आप। ऑल साइन टेंजेंट कोस, ऑल साइन टेंजेंट कोस इसलिए कह रहे हैं, अच्छा मतलब सीकेंट नहीं लेना, सी का मतलब कोसिकेंट नहीं लेना। ऑल साइन टेंजेंट कोस, जो जहां लिखा वो पॉजिटिव और उस पर रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन और देयरफॉर उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बाकी का मतलब कोई चीज पॉजिटिव है बेटे तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव थोड़ी होगा बेटा, टू बाय थ्री है तो पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। साइन कोसिकेंट, ये थी टेंजेंट कोटेंजेंट, ये पॉजिटिव कॉस और देयरफॉर सेकेंड, कोई चीज पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव, साइन है तो कोसेकेंड भी, टेंजेंट है कोटेंजेंट, जो एंगल इनके बीच में आएगा उनके लिए साइन कोसेकेंड पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हम कहें साइन ऑन 150 डिग्री, तो 150 कहाँ आता है, 90 और 180 के बीच में आएगा, 90 और 180 के बीच में कहना कहीं होगा, तो वहां पे साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही। अगर हम कहें कोट 150 डिग्री, तो 150 और 180 के बीच में कहने के हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये सेकंड के अंदर कोट क्या होता है, यहाँ तो साइन और कोसिकेंट दिख रहा है, कोट क्या होता है नेगेटिव। हम कहें साइन ऑफ 350 डिग्री, तो साइन 350 कहाँ लाई करता है, 270 और 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में तो कॉस और सेकंड दिखा है तो ये नेगेटिव। जो जहां लिखा है वो पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। ए एस टी सी आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, आल साइन टेंजेंट कॉस। सर ऑल में सारे पॉजिटिव होंगे फिर? यस, 0 से 90 डिग्री आपने 10th क्लास के अंदर देखा है कोई वैल्यू नेगेटिव थी के थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, नहीं थी नेगेटिव कोई भी, 30 डिग्री पर भी 1/2, 64 कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं थी। ऑल साइन टेंजेंट, आफ्टर साइन टू कोसाइन, ऑल साइन ट्रांसफर टू कोसाइन, सभी साइन कोस में ट्रांसफर हो जाते हैं साइन 90। कोई डाउट इस चार्ट में? कोई डाउट नंबर वन? इस एग्जाम्पल में कोई डाउट नंबर टू? इसमें कोई डाउट नंबर थ्री? नंबर बोलो आप। अब कॉस 150 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये रब कर रहे हैं बेटा। कॉस 150 है तो कॉस 150 को पहले तो देखो कहाँ लाई करता है, 90 और 180 के बीच में आएगा ना 150, तो इसको 180 माइनस 30 लिख रहे हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव और 30 डिग्री है कॉस लिख, तो ये माइनस रूट 3/2 है। साइन 150 90 या 270 का यूज नहीं कर रहे, सिर्फ एक्स एक्सिस का यूज कर रहे, साइन 150 है इसको भी क्या लिखेंगे 180 माइनस 30, साइन 30 आ गया तो ये 1/2 आ गया, पॉजिटिव होगा ना साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख दिया, ये पॉजिटिव लिख दिया, प्लस स्टेपलर लिखने की जरूरत नहीं, ये सेकंड में, सेकंड में तो क्या लिखा होगा एस, एस का मतलब साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो कॉस नेगेटिव, बाकी का मतलब चार पॉइंट, और ये क्या आ गया आयोटा 1/2, 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 2√3 + 2 आयोटा, ये आंसर आ गया, पहले बॉक्स में माइनस 2√3, दूसरे बॉक्स में, आराम से चेक करें। ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर कहोगे तो फिर से बताया जाएगा, ये फोर्थ फिफ्थ, और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है
एक साथ कहीं कोई मिसिंग है तो डिस्टर्ब नहीं होना। कोई डाउट? थर्ड स्टेप बताना है वो दोबारा। कौन सा बेटा नंबर कितने कितने थर्ड बता दो। यस बेटा करते हैं। देखिए 10 तक तो दिया था cos 30 बताओ, cos 60 बताओ, 45 बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 150 है। तो पहले तो आप देखो 150 आएगा कहां, 0 से 90 के बीच में 150 आ जाएगा क्या? 90 टू 180 के बीच में आएगा, 180 और 270 के बीच में 150 आएगा वो, तो 150 यहां कहीं होगा। तो क्या लिख दिया 180 माइनस 30 180 में से 30 माइनस 30 तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव। और ये 30 डिग्री का 30 रहेगा, cos आ गया, ये माइनस रूट की बाई टू है, तो ये वैल्यू डाल दी। उल्टा करें, पहले हम ये एंगल निकालते थे, ये वैल्यू निकालते थे, अब उल्टा है। इसको ये भी कह सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख। साइन 150 कैसे करेंगे बेटा? बिल्कुल यही चीज, 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट है ना बेटा, सेकंड में ये क्या होता है, पॉजिटिव, साइन 30 आ जाए, बाकी हट जाएगा ये साइन 30 तो 1/2 इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। जो एंगल बच गया था प्लस का है, माइनस में 30 डिग्री है। ट्रिग्नोमेट्री में और ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये तो फिलहाल यहाँ क्वेश्चन आ रहा था इसलिए आपको बता दिया गया। आप पूछिए बेटा स्टेप 1 2 3 4 1 2